मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम अच्छी हूँ। और अभी सुबह के बजे 7:30, तो मैं आज जल्दी उठ गई थी। वैसे तो मैं हमेशा जल्दी ही उठती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट रहती है, तो सुबह उठना हो जाता है 5 o'clock, 5:30, 6 o'clock बस। उसके बाद फिर लंच बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया, और लंच में मैंने बनाए आज बीन्स आलू। अब वो गए हैं तो मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ, तो मैंने किया योगा। मैंने काफ़ी टाइम बाद योगा किया आज, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया था, मेरी प्रॉब्लम चल रही है मेरी सर्टिका की, तो मैंने इसी वजह से कुछ भी नहीं किया काफ़ी टाइम से, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ योगा नहीं। तो अब थोड़ा रिलीफ मिला है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा शुरुआत ही करते हैं योगा की, ज़्यादा नहीं। तो मैंने थोड़ा सा ही किया कपालभाति, अनुलोम विलोम, दो तीन योगा और थे जो अच्छे रहते हैं बैक पेन के लिए, तो मैंने सिर्फ वही किया और ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। अभी सोचा कि चलो आपसे बात कर ली, सुबह सुबह दिखाते हैं कैसा वेदर होगा। या फिर ये देखो वेदर कैसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बारिश अब आई, अब आई, अब आई। अरे वो बारिश हो जाए ना, पूरा दिन मजा आता है। ये है ना, ये बनाया मेरे हस्बैंड, उनका वो जो कच्चा नारियल होता है ना पानी वाला, तो उसको तोड़, उसको यूज़ करके उसका ये तोड़ लिया है, खाली कर लिया उसका, और फिर ये करा है पेंट, इसको पेंट कर दिया है। और देखो इसकी नोज, देखो नोज, नोज नोज कितनी सुंदर लग रही है इसकी। और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, क्योंकि तो वेस्ट चीज़ होती है ना, तो उसको कुछ भी बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो उसका यूज़ हो ही जाता है। हमारे घर में जो वेस्ट चीज़ होती है फिकती नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बनाई है मेरे घर में। और ये है टाइगर, ये इसकी यही जगह है, यहीं बैठा रहता है। इसके मुंह देखो, उसका मुंह ऐसा लग रहा है अभी खा जाएगा ये हमें बस। और अब मैं घर का काम करूँगी, यूवी सो रहा है और किचन पूरी करनी हुई है, किचन क्लीन करनी है मुझे, अभी घर साफ करना है पूरा बस। उसके बाद फिर नहाएंगे पूजा, तो अभी ये सारा काम बचा हुआ है। उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। मेरा काम भी हो गया और पूरा क्लीनिंग भी हो गई घर की। और इतनी गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल है, सर्दी हो तो सर्दी में मुश्किल, गर्मी हो तो गर्मी में मुश्किल। सर्दी में मन नहीं करता काम करने का, और गर्मी में मन तो करता है काम करने का, लेकिन सिर्फ पानी वाला, बस ये लगता है कि पानी वाला जितना भी काम है ना आप खूब करो, क्योंकि पानी में तो मज़ा आता है, तो कितना भी कर लो। और सर्दी में तो पानी से बस ये लगता है कि बस काम ही मत करो ज़्यादा, तो इसीलिए दोनों वेदर ही मुश्किल है। सबसे अच्छा वेदर होता है मार्च एंड मार्च और अब जो टाइम अभी आने वाले मंथ में अच्छा शुरू होगा सितंबर से, तो तब थोड़ा सा जाके राहत मिलेगी इस गर्मी से, वरना यहाँ की जो सड़ी गर्मी है ना वो सबसे ख़तरनाक है। बाहर नहीं जा सकते, कुछ शॉपिंग करनी है वो नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं, बस इवनिंग में निकलो, जो लेना है वो इवनिंग में के लिए निकलो आप, तभी ले सकते हो, वरना नहीं। और जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनको तो इतना मज़ा है कि है हमेशा वो तो ठंडक में रहते हैं। और आप सब बताइए कहाँ कहाँ से, प्लीज़ कुछ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी।
निशाना। Today will we make one project. This is two atta do. This is battery. This is LED lights. This is battery. This is red wire is positive, and this black wire is negative. And this is light. This straight wire is negative, and the next wire is positive. So start. First, put in the dough and red wire second dough. This is light. Dough is negative. One dough is positive. This is light. The straight wire in the first negative dough, and the second wire in the positive dough. See. Ooh, beautiful. Beautiful, और beautiful. बताएंगे तो वन ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट। वाह बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। आज बन रहा है मटर पनीर। तो ये इसके लिए चाहिए हमको क्रीम और प्याज छोटा छोटा कटा हुआ। ये टमाटर है, इसको मैंने कस लिया है कद्दूकस से। और ये ऑयल, इसमें डाल दिया मैंने तेल। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। अब हम डालेंगे इसमें इलायची। इलायची लॉन्ग एंड बड़ी इलायची, एक दो काली मिर्च डालेंगे हम इसको। इसमें डाला हमने प्याज, ये हमने डाल दिया प्याज। ये लॉन्ग है ना, ये सीधा और छलके आती है बहुत तेज, कभी कभी, हमेशा नहीं कभी कभी। तो ये हम इसको हल्का ब्राउन करने तक भूनेंगे प्याज को। थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए तो इसको भूनना है। ये हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेगा। अब इसमें जाएगा ये टोमेटो प्यूरी, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। मैंने डाल दिया इसमें टमाटर। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये क्रीम। ये घर की ही मलाई है, तो ये अच्छे से जब भुन जाती है ना मसाले में, तो इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। लेकिन ये जब तक तेल ना छोड़ते तब तक इसको आपको भूनना है। जल्दी आपको इसे सब्जी नहीं डालनी है, इसे अच्छे से तेल छोड़ दे। उसके बाद अब हम इसे ढक देते हैं और वेट करते हैं 5 मिनट्स। अब ये मसाला है अच्छी तरीके से भून चुका है, तेल छोड़ दिया है मसाले में, देखो आप। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड मटर, जो मैंने पहले से ही कुकर में इसको उबाल लिया था, क्योंकि अगर बिना उबले आप इसमें मटर डालोगे तो मटर इसमें अच्छे से पकेगी नहीं। तो मैंने ये डाल दिया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये पनीर, इसको मैंने फ्राई नहीं किया, ये ऐसे ही अच्छा लगता है। मैंने इसमें पनीर डाल दिया। मैंने इसमें मसाला डाला था, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और धनिया, और मैंने इसमें डाला है पनीर मसाला बस थोड़ा सा। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इतना हमको, इतनी पतली नहीं बनानी सब्जी, ये हमको थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है।
और हम इसको ढक देंगे और ये 15 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। बस अब बनानी है मुझे रोटी और थोड़े से चावल, क्योंकि चावल इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं थोड़े से इसके साथ चावल ज़रूर बनाती हूँ। टाइम हो रहा है 8 o'clock और पनीर बन रहा है, मटर पनीर। कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है लेकिन हाँ सिंपल टेस्टी रेसिपी है तो अच्छा लगता है टेस्टी खाने में। अगर ज़्यादा आपको स्पाइसी या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले का नहीं खाना है तो आप ऐसे सिंपल बना सकते हो, अच्छा लगता है खाने में भी टेस्टी। बस मेरा अभी डिनर जो है वो रेडी हो जाएगा आधे घंटे में, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज डिनर में पनीर के अलावा क्या क्या है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं गेम खेल रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? अच्छा, कितनी देर लगेगी? अच्छा, लंबा टाइम। और ये बाहर का नज़ारा, यार चांद नहीं निकला है, तारे चांद कुछ भी नहीं। आज गर्मी में चांद और तारे दोनों चले गए, अब मच्छर भी नहीं है। अच्छा है, गर्मी इतनी है लेकिन मच्छर नहीं है। सब बिजी हैं अपना अपना, मैं कुकिंग में बिजी, ये इधर बिजी उधर बिजी। एंड करती हूँ इस व्लॉग का और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जो भी उससे क्या होगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब के लिए टेक केयर, बाय।